एक गलत कदम और देख सकते हैं नीचे। ये भी पहले पाकिस्तान के अंदर था, पाकिस्तान के अंदर था सर। सर पाकिस्तान है सर। अच्छा बारिश भी आने लग गई है सर, यहाँ पे शिकारी आते सर। सर ये वो पाकिस्तान का सब एरिया वो वाला भाई। आई लव ले जब आप गले लग कर जाओगे तो देना। तो दोस्तों अभी ये जो अंकल जी हैं इनसे बात हो गई है, तो 1500 रुपए एक आदमी का कह रहे थे, अभी 1500 में हम तीन लोग जा रहे हैं आगे, तो एक्सप्लोर करने के लिए कि आगे है क्या ऐसी चीज, ऐसी क्या लोकेशन है जो यहाँ पे 1500-1700 पर पर्सन घोड़े का लेते हैं, वो सारा एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों के लिए जा रहे हैं। तो ये सब तो आपने देख ही लिया है बूटा पत्री, तो अब आगे क्या है, ऐसा है, कौन सी लोकेशन है, LOC बोलते हैं वो, आगे हम अभी घोड़े पे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। तो भाई देख सकते हैं ये बूटा कतरी से अभी घोड़े पे जा रहे हैं ऊपर बॉर्डर साइड पे देखने के लिए, और ये भाई हमें लेके जा रहा है। भाई क्या नाम क्या है? यासर। यासर भाई लेके जा रहा है हमें, और कसम से लाइफ से पहली बार भाई घोड़े पे बैठे हैं। भाई ध्यान से रखे, जहाँ ऐसा खतरा होगा हम पैदल थोड़ा सा चल लेंगे, कोई बात नहीं है भाई। साथ ही आजा लग रहा भाई, कैमरा भी पकड़ना है, घोड़ा भी पकड़ना है, पावर बैंक भी को पकड़ना है, ब्रेक अपना आगे रखो बस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा चलते चलते। तो ये सारा बूटा कतरी का ये देख सकते हैं लोकेशन। तो अब जा रहे हैं हम जो लास्ट गुलमर्ग का लास्ट पॉइंट है, वहाँ घोड़े से जा रहे हैं भाई। पहली बार ये डर लग रहा है, और साथ साथ में इधर ये नाले वाली जो खाई आ गई है, और जैसे ये चढ़ाई आती है ना, फट तो रही है भाई, ऐसे नहीं होगा। घोड़े का तो काम है, इसकी तो पता नहीं मेरी फट रही है। तो कोई बात नहीं यार, लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, थोड़ा ही है बस। ये है कि गिरने पे ये टांग फंस जाए, घसीट के ना लेके जाए फिल्मों की तरह, नहीं घसीटेगा, ये रुक जाते हैं। अच्छा फिर सही है, गिर गया तो कोई बात नहीं, ये ना हो शक्ति कपूर की तरह मैं जो ये घसीट ले जाए। नहीं नहीं वो शक्ति कपूर का नहीं है। वेट अपना आगे, शाबाश। किधर, इधर से जाएगा ये? वेट अपना आगे सर, वेट आगे। अबे ये पीछे भाई, अभी वीडियो गई ऐसी तैसी में, पहले अपने आप को सेव कर लूं घोड़े पे, तो वीडियो तो बनती रहेगी बाद में, ऊपर जाकर भी बन जाएगी। हाँ तो भाई ऐसी चढ़ाई उतराई पे तो दोनों हाथ से पकड़ना बेहतर है। तो जब हाइट आती है ना, चढ़ता है, तो भाई वेट पीछे को रखना है आपको, बैलेंस बन जाता है घोड़े पे। अभी हो सकता है थोड़ी देर में एक्सपीरियंस हो जाएगा, चढ़ाई होती है तो वेट आगे रखना पड़ता है। चढ़ाई है, वेट आगे, आगे के पीछे, आगे आगे, आगे, आगे। अच्छा जब वापसी में उतरोगे तो वेट पीछे। अच्छा ऐसे आगे कर लेना वेट। बसंती और मेरे वाले का, इसका नाम सिकंदर है। सिकंदर, ये तो बढ़िया मस्त सिकंदर मिला भाई, बादल है। ये मुकद्दर का सिकंदर मिल गया है मुझे, सिकंदर पे बैठा हूँ। कहाँ से जाएगा सिकंदर? खड़ा हो गया सिकंदर, पानी में से जाएगा? अरे ऐसा ना बोलो यार। और अभी और ऊपर जा रहे हैं ये घोड़ा बेचारा भाई। तो भाई आए हैं अगर गुलमार्ग, तो ये सवारी जरूर करके जाइएगा, पहली बार हम आए जरूर है, लेकिन मज़ेदार है ऊपर माहौल, और ये बेचारे घोड़े वोड़े भी सब इनकम ही इनकम हो जाता है। तो ऊपर जरूर घूमने आओ भाई जो भी आता है गुलमर्ग में, देखो बहुत बढ़िया लोकेशंस हैं यहाँ पे सारी, और शांति है भाई। अगर तपस्या करनी है ना, कोई वर वर लेना हो, कोई साधु संत बनना, तो यहाँ ऊपर जा जाओ। वो भालू बैठा लग रहा है भाई, वो काला था, आँचो उसका मुंह और वाइट है, और वो नहीं यहाँ पत्थर है का, भालू ही है, भालू ही लग रहा है मुझे, भालू ही लग रहा है देखने में। तो वो ये सारा देख सकते हैं, ऐसा रास्ता है भाई, और ये सिकंदर भाई जा रहा है लेके, और चढ़ाई आने लगी है। अभी मैं मोबाइल से हाथ हटा के पकड़ लेता हूँ घोड़े को, ये देखो भाई ये सारी ऊपर इतनी शांति है ना, शाबाश, बहुत समझदार है भाई सिकंदर हमारा।
और यहाँ से ये वाला पानी भाई नीचे जा रहा है, जो नीचे की लोकेशन थी ये देखिए, धीरे धीरे यहाँ से ये पानी पकड़ लिया। चल भाई चल, चल भाई सिकंदर फिसलियो मत यहाँ पे। शाबाश 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 सिकंदर। पूरा जंगल एरिया है सच में भाई ये, ओ देख सकते हैं भाई ये सारा ऊपर का जो नज़ारा है ना गुलमर्ग का, और इसी मौसम में देख सकते हैं आगे तो स्नोफॉल शुरू हो जाएगा विंटर में, फिर यहाँ पे 8-8, 10-10 फीट बर्फ़ हो जाती है और घोड़ों का हो जाता है आना जाना बंद, और फिर स्केटिंग शुरू हो जाती है, स्नो के जितने भी सारी गेम्स हैं स्नो की शुरू हो जाती है। स्नो बाइक यहाँ से, यहाँ से सही ये आगे थोड़ा सा और खतरनाक है, ये कीचड़ वाला रास्ता है। सिकंदर भाई मैं नहाया नहीं हूँ, मुझे नहाने पे मजबूर मत करियो आज। शाबाश सिकंदर। फिर 3 पॉइंट कह रहे थे, ये पहला ही है पॉइंट का? नहीं सर, ये लास्ट है वापसी में दो आप। अच्छा ये लास्ट ही है वापसी में दिखाओगे, सही है। शाबाश भाई लास्ट है सिकंदर, यहाँ पे बेइज्जती मत करवा दियो, भाई की बेइज्जती मत करवा दियो यहाँ पे। शाबाश। ओ ये फ्लावर वैली है भाई देखो ऊपर है ना, ऐसी फ्लावर वैली बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब में वहाँ पे भी है। अभी देखो वापसी में फिर आप वहाँ से चलते आना, मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। अच्छा सही बात। तो ये भाई लास्ट टॉप पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं, लास्ट में जाते समय 2 पॉइंट होंगे, तो ये गुलमर्ग की खूबसूरती है देख सकते हैं, ये सब है अगर ऊपर आप आते हैं घोड़े पे लेना, कुछ लेना पड़ेगा। और ये सब घोड़े जो आए हैं क्या क्या लेना पड़ेगा कुछ हाथ में ना हथियार, अब जहाँ पर भी कहीं जाए भाई आगे का अपना इंडिया का कहाँ तक होगा इधर? अरे सर वहाँ से आपको दिखा दे, इस साइड में इंडिया का इस साइड में और पाकिस्तान वापसी में आपको दो। अच्छा जो LOC कर रहे थे लास्ट पॉइंट है वापसी, वहाँ पे जहाँ पे नीचे आपको दिखा रहे थे शिकार का फ्लावर वैली, वो असल में हुआ फ्लावर वैली। अच्छा शिकार का फ्लावर वैली। LOC हमारे वहाँ तो वही बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, फिल्म भी आई थी जो मतलब दूसरी कंट्री के साथ जो बॉर्डर रहता है, पाकिस्तान हो गया नेपाल हो गया LOC, तो यहाँ पे भी आगे पाकिस्तान उस साइड में शुरू हो जाता है मतलब इसके उस साइड। अब ये कुछ बंगले दिखते हैं उनके सर जी, ये भी पहले पाकिस्तान के अंडर था, पाकिस्तान के अंडर था सर। अच्छा तो कब लिया इंडिया ने, कब लिया? 1947 में लिया था, मगर फिर तब तक ये बंद रखा था यहाँ पे, अलाउ किसी को नहीं था। अच्छा अब 2-4-5 साल पहले हम यही है पूरा गुलमर्ग नीचे? नहीं सर ये बूटा पथरी है। अच्छा बूटा पथरी वाला एरिया ये सारा 1947 से पहले पाकिस्तान के पास था, मतलब वैसे तो आज़ादी हम 1947 में ही हुआ है, उसी समय जब बंटवारा हुआ है सब। तो ये देख सकते हैं भाई ये सारी जो फ्लावर वैली है, घोड़े से आने के बाद अब यहाँ से आपको एक मस्त व्यू दिखाते हैं, देखते रहिए बस। ओ ये देख सकते हैं ये पूरी वैली है, और ये बूटा पथरी यहाँ से दिखेगा नीचे है ना, ये जो एरिया ये अंदर यहाँ आर्मी हमें नहीं आने देती सर। नहीं सर वहाँ पे जहाँ पे वो कुछ एनिमल्स दिख रहे आपको, हाँ वो जो पेड़ है गुच्छे वाले सारे। हाँ सर। अच्छा तो वो उस जहाँ पे छोटा सा सफेद बैंक दिख रहा है वो व्हाइट वाला? व्हाइट वाला सर, ये कुछ इनके आर्मी के सेंटर है। यस सर हमें यहाँ किसी को अलाउ नहीं, खाली यहाँ पे आर्मी आ सकती है, बाकी किसी को अलाउ नहीं सर। LOC इसी को बोलते हैं? हाँ सर इसी को, ये LOC का सर पूरा। अच्छा मतलब जिस साइड में आप लोग नहीं जा सकते वो LOC है सर। हाँ ये पूरा जंगल है इधर, और यहाँ भालू लेपर्ड वगैरह सब ये भाई लोग बता रहे हैं कि आते हैं, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं ये पूरी जो नाला नदी जो भी कहे आप पानी जो जा रहा है ना, ये बूटा खत्री के वहाँ ब्रिज के पास से होता हुआ यही जा रहा है, और इधर पीछे से
काफी देख सकते हैं इधर पीछे से आ रहा है, जा रहे हैं हम उधर भी अभी। और ये पीछे देखिए पूरा कितना जंगल है, बालू लेपर्ड वगैरह ये सब आते हैं, घोड़े वाले भाई बता रहे थे। देखिए अभी और अंदर डीप जितना जहाँ तक लाउड है जाकर दिखाते हैं आपको। जो भाई नहीं आ सकता हमारी वीडियो से पूरा गुलमार्ग देख सकता है। और ये आर्मी का लास्ट कैंप है इंडिया का। अच्छा आर्मी का लास्ट कैंप है, इसके बाद फिर पाकिस्तान का ही कैंप होगा दूसरी तरफ। पाकिस्तान के पहाड़ियों में है, दिखता तो नहीं होगा। तो भाई बहुत ध्यान से बैलेंस बना के उतरना है, एक गलत कदम और देख सकते हैं नीचे। अच्छा ये जितने पेड़ हैं, अभी पीछे जब पानी आया था पूरे पंजाब में हिमाचल में तो यहाँ भी आया होगा। हाँ सर यहाँ पे भी आया था। फ्लड है ना ये, तब ये लाया सब पानी। तो देख सकते हैं कितने भारी भाई पेड़ हैं ये, और पानी कहते हैं ना कुछ नहीं छोड़ता जब भाव में आता है, बड़े बड़े पानी कम हो गया बहुत पत्थर। हाँ अभी तो बिल्कुल नेचुरल हो गया है। अच्छा ब्लैक खाते हैं ये? हाँ अभी ये तैयार नहीं है सर। अच्छा। ये ब्लैक हो जाते हैं जब तैयार होते हैं। अच्छा तैयार होगा ब्लैक बेरी, अभी थोड़ा रेड है सर। अच्छा रेड है, अभी टाइम लगेगा इनको कुछ सर। ब्लैक हो जाएगा तो पक जाए, मीठा रहेगा, बहुत मीठा हो जाता है सर ये। अच्छा। बहुत मजा आता है खाने में सर, बहुत भाई आम लोग है ना ये सब जानते हैं हम। और ये बिल्कुल लास्ट गुलमर्ग का जो व्यू पॉइंट है, तो ये वैसे आगे कहाँ किस तरफ जा रहा होगा सर? श्रीनगर की तरफ ही आगे ये पहाड़ जा रहे होंगे। यहाँ नहीं है सर श्रीनगर नहीं है सर यहाँ पर। हाँ ये लास्ट हमारा बॉर्डर है, इसके पूछ साइड पाकिस्तान है सर। अच्छा इस साइड से आगे फिर पाकिस्तान। हाँ, है श्रीनगर इधर पीछे ही रह जाएगा। तो भाई देख सकते हैं ये पीछे तक जहाँ तक दिख रहा है इंडिया है, और जहाँ तक नहीं दिख रहा है इसके पार जो है वो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो लव यू भाई, जो पाकिस्तान वाले भी हैं वो भी बहुत सारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, तो देखते रहो, प्यार बना रहे सबका, यही हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं। तो हमारी तरफ से ये गुलमर्ग का नज़ारा सब पाकिस्तानी लोग भी भाई देख सकते हैं। अब गुलमर्ग के बाद हम फिर आगे जाएंगे भाई कारगिल लेह लद्दाख। तो चैनल के साथ बने रहना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। देख सकते हैं आप घोड़े पे कभी नहीं बैठा हूँ, आप लोगों को ये लास्ट में है क्या पॉइंट वो दिखाने के लिए घोड़े पर बैठकर भी आज हम यहाँ ये गुलमर्ग के लास्ट पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। और बारिश भी आने लग गई है। यहाँ पे शिकार ही आते सर। अच्छा हाँ सर शिकार का, शिकार करते हैं ये होते हैं ना लिपट वगैरह बहुत सारे कुछ आते हैं, मेंढक वगैरह वो सब कुछ होते हैं इनमें। शिकार कौन करता है? शिकार ही आते सर। आदमी मतलब? हाँ आदमी होते, गन लेके आते जो। अच्छा लाइसेंस गन वो यहीं से होंगे लोकल? हाँ सर जो शिकार करते हैं यही लोकल ही होंगे। इन देदारों में से दिखती है आप, ग्रीन कलर की है। हाँ वो दरगाह शायद आते समय रास्ते में आती है? नहीं नहीं सर ये नहीं आती, वो दूसरी दरगाह। अच्छा वो दूसरी, ये उनकी उन लोगों की दरगाह। किन की? वो आजाद कश्मीर वालों की दरगाह, पाकिस्तान वालों की। हाँ सर ओके। इसके जो नीचे है ना सर ये वाला, हाँ। जो बैंक है ये गुजर नगर है सर, इसके गुजर नगर के गुजर नगर। हाँ सर। तो भाई पाकिस्तान से जो देख रहा होगा आपकी दरगाह है, दर्शन कर लो आप भी, अल्लाह सबका भला करे। तो भाई इन लोकल लोगों के बिना आपको जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि जहाँ रहते हैं ना सब जानते हैं। तो आए हैं तो यहाँ भाई इनके साथ राउंड लगा के जाओ। गाड़ी दिख रही है सर ये, वो पाकिस्तान का सब एरिया वो वाला। अच्छा वो जो ऊपर पहाड़ियाँ दिख रही हैं सही। अच्छा पीओ का आजाद कश्मीर है पाकिस्तान का, और वहीं पे तार है, वायरिंग है ये भाई कह रहा जल्दी चढ़वाएंगे। तो ये LOC है ऊपर आजाद कश्मीर पाकिस्तान की, और ये लास्ट, इससे आगे नहीं जा सकते गुलमर्ग। ये आ गए भाई हमारे बादल सिकंदर, ये सिकंदर भाई आ गए। बादल बोल रहे घास खाने दो। तो ये भाई बैठ गए। अरे सिकंदर भाई, सिकंदर नहीं परेशान नहीं होना। ये भी तेरी इधर ही आ रहा है। शाबाश सिकंदर, शाबाश सिकंदर, रोश।
भाई बसंती के पीछे मत पड़ तू सिकंदर। करण कंबोज ब्लॉग चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। और भाई इस जम्मू कश्मीर लद्दाख काजा और स्पीति की इस सीरीज में 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो सबका बहुत बहुत थैंक्स धन्यवाद हो जाएगा भाई। ये देखिए ऐसे जब जगह आती है ना यहाँ पे ये डर लगता है, पीछे को वेट करके बैठना है बैलेंस बनाना है। ये देखिए नीचे ये बेचारा सिकंदर, लेकिन बहुत समझदार घोड़े हैं ये। अच्छा अच्छा लोकल भी नहीं रहता है 5 बजे के बाद, तो सिर्फ आर्मी रह जाएगी। ये जितने घोड़े गाड़ियां हैं प्राइवेट टैक्सी हैं सब नीचे चले जाएंगे, और जो नागनी 1, 2, 3 गांव के हैं वो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा ये गांव वाले वो भी घूमेंगे नहीं, घर में चले जाएंगे सब। और रात को आती होंगी आवाजें भालू भालू जगह जानवर। अच्छा नहीं आता पीछे। वापसी जाते ओ ये भालू की आवाज देखियो, सुनी तूने नहीं सुनी? हाँ अभी तो चिल्ला रहा था, कसम से भालू की थी साउंड, मैं पहचानता हूँ भालू की साउंड को, फिल्मों में कितना देखते। अभी यहाँ इस साइड से आ रही थी आवाज, अभी फिर से आएगी। तो बहुत जोर से अभी ये दहाड़ रहा था भाई भालू, कहीं भी पता नहीं कहाँ है, इधर साइड में कहाँ होगा। बिजली की वजह से गिर जाते हैं, जब बारिश में बिजली गिरती है ना। क्या बात कर रहा है, अच्छा वो आसमानी जो बिजली है उससे भी गिरते हैं? वो तो जला देते हैं, फाड़ देती है, अगर पेड़ को फाड़ देती है तो गिरती रहती है वो यहाँ पे जंगल में। बारिश में जब बारिश होती है तब गिरती है। अच्छा बहुत खतरनाक आवाज होती है। सात अजूबे इस दुनिया में, आदमी अपनी जोड़ी थोड़े से भी टूटे ना, ये धर्मवीर की जोड़ी। ओ हो कोई डर नहीं है, देखो आराम से बैठो, हाथ जोड़कर भी आओगे ना तो ये इतना समझदार जानवर है, देखिए आराम से आएगा। अब उतर रहा है, पेट पीछे कर लेना है और पांव से आप ये पूरा बैलेंस बना के रखना है। ये देखिए पांव से बैलेंस बनाओ, मजेदार बहुत समझदार जानवर है ये। ये मैंने पूरा फिल्मी थी तो देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं ये लास्ट जहाँ से चले थे उसी पॉइंट पे जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। ये जा रहा है नीचे की तरफ सिकंदर, वेट कर लेना है पीछे, पाँव को सीधा कर लो बस बैलेंस बना के। सिकंदर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, फंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आवाज दे रहा है सिकंदर, बोला अब सिकंदर बोला, बूटा पथरी पे पहुंच गया, घर आ गया तो बोला अब ये। और 5 बजे के बाद यहाँ जितने लोकल हैं, घोड़े हैं, प्राइवेट गाड़ी हैं, सब यहाँ से गुलमार्ग से निकल जाती हैं, सिर्फ आर्मी रहती है, आर्मी के अलावा और कोई नहीं रहता। और पीछे मेरे आ रहे हैं ये बसंती और बादल। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इन जानवरों की घोड़ों की मेहनत है, तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ये आ गए हम नीचे, ये सब जितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं सब ऊपर आती हैं, नीचे किसी के बहकावे में बताइए कि गाड़ी ऊपर नहीं जाती, पार्किंग में लगा दो, तो सब अपनी गाड़ी में आए हैं। तो यहाँ तक सारी अपनी जितनी भी लोकेशन है सब आप अपनी गाड़ी में आकर घूमिए। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और धन्यवाद भाई ये सारे घोड़े जानवर जो डेली 4-4 चक्कर लगाते हैं ऊपर के। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।